नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घर से निकलना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। एक्यूआई 400 के पार पहुंचा हुआ है। दम घोटू हवा लगातार लोगों का दम घोट रही है। प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, साल दर साल ये समस्या लोगों के सामने आती है, उन्हें डराती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ देती है। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार इसी मुद्दे को लेकर के हमलावर है, क्योंकि आगे दिवाली है। दिवाली में हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सुचिता जी। प्रियंका जी, गर्मी अभी गई हुई है, लेकिन दिल्ली में सियासत जो है वो प्रदूषण पर ज़्यादा गर्माई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगी? पहले तो सभी को नमस्ते। हम लोग दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, देश में इकलौती सरकार है जो लगातार, आपने सुना होगा, प्रदूषण के विरुद्ध काम करती है। हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार जमीनी स्तर पर होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 या विंटर एक्शन प्लान या समर एक्शन प्लान दिल्ली में लागू करवा रहे होते हैं। जब से हमारी सरकार पंजाब में बनी है, वहां भी हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। आप दिल्ली में देखिए कि बीते 9 सालों में बहुत सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमारी दिल्ली में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है, अच्छी सब्सिडी देती है सरकार, जिस वजह से 17% जो हाईएस्ट है इंडिया का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिल्ली में होता है। हमारी जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है उसके तहत उसमें बहुत ही अच्छी प्रोविजन है, सेवरल ऑफ देम। जैसे अगर किसी ने एक पेड़ काटा कंस्ट्रक्शन के लिए तो फाइन भी लग सकता है, या एक पेड़ को आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक पेड़ को की जगह आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के तहत 23.06% हमारा दिल्ली का ग्रीन कवर हो चुका है, जो एक हिस्टोरिक हाई पे है। हम लोग और लॉन्ग टर्म मेजर्स में दिल्ली में 1800 प्लस इंडस्ट्रीज हैं जो सब पीएनजी फ्यूल पर कन्वर्ट की जा चुकी हैं। दिल्ली में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, जिस वजह से डीजल जनरेटर्स बिल्कुल यूज नहीं होते हैं। लेकिन प्रियंका जी, एक बायोकेमिकल की भी बात चली थी पिछले साल से, एक बायोकेमिकल की बात चल रही थी कि अगर उसे खेतों में डाला जाएगा तो वो पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी, वो प्लान कहाँ तक पहुँचा है? ये मैं आपको दिल्ली के स्टेप्स बता रही थी पहले। दिल्ली के स्टेप्स जो हमने लगातार लिए, उस वजह से उसका नतीजा ये निकला है कि इकोनॉमिक सर्वे 22-23 जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है, जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ, उसको भी स्वीकारना पड़ा कि 8 साल में एक्सक्लूडिंग कोविड ये सबसे बेहतर हवा रही दिल्ली की इस साल में। जो आपने पूछा बायोडिकम्पोजर की बात की, इसको भी हम लगातार यूज कर रहे हैं। दिल्ली में भी यूज किया गया है, पंजाब में भी यूज किया गया है। इनफैक्ट कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी इसका जिक्र हुआ। पंजाब में हमने बहुत एक्सिटू और इनसिटू मेजर्स लिए हैं। एक्सिटू मेजर्स में हमने किसानों को सीआरएम मशीन्स दिए, लगभग 1.5 लाख मशीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जिसमें हमने हैवी सब्सिडी दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस बात की सराहना की और कहा कि देयर इज नो रीजन व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बियर द रिमेनिंग 50% ऑफ सब्सिडी ऑन दीज मशीन्स, सो दैट जो सबसे गरीब फार्मर भी है पंजाब का, उस तक भी ये मशीन्स पहुंच पाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और, वी आर ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट की कल उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि केंद्र सरकार को बहुत जरूरत है इस टाइम पर कि ऑल्टरनेट क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाए, ताकि पैडी को ग्रेजुअली फेज आउट किया जा सके। पंजाब में हमारे ऑलरेडी 2 बायोमास प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, 39 आर एन पाइपलाइन। पंजाब में हमने ऑलरेडी 4500 किसान मित्रों को डिप्लॉय किया पिछले 1 साल में, जो जाकर किसानों को जागरूक करते हैं कि पराली से क्या नुकसान होता है। आप देखिए, पुरानी सरकारें, उन्होंने ही ऐसा बताया कि पराली जला दी जाए, तो बहुत जरूरत थी कि किसानों को अवेयर किया जाए, और आज किसान मानते हैं। ये हमने जो मेजर्स लिए उसमें एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया भगवंत मान जी की सरकार ने कि पूसा 44 जो एक हाई वाटर यील्डिंग क्रॉप होता है उसको बैन कर दिया गया।
आप ये सारे मेजर्स हमने लिए, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें पूसा बायो डिकम्पोजर भी था, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और ये इनका नतीजा ये निकला कि जहां 2016 में 91,000 पराली के जलने के इंसिडेंट्स थे आज की डेट तक, वो गिरकर 19,000 रह गए हैं, करीब 55-67% की कमी आई है। और हम एक काम करने वाली सरकार है, ये आंकड़े आप चेक कर सकते हैं, सार्वजनिक है, सीएक्यूएम के आंकड़े हैं, हम एक काम करने वाली सरकार है, हम इसको और कम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की, जो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट, कि एक तो देखिए कल सिर्फ दिल्ली और पंजाब की दो सरकारें हैं जिन्होंने हलफनामा दाखिल किया और बताया कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अब क्या किया जाए अगर फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से BS3, BS4 जो बैंड व्हीकल्स हैं, वो बैंड फ्यूल है, वो अभी तक दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं हो रही थी। लेकिन प्रियंका जी, जो दिल्ली में प्रदूषण है उसके लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार मानती है, वो लगातार हमले कर रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए उनको, उन्होंने शुरू से ये किया, उनका काम है बयानबाजी। आप कभी उनका कोई काम ग्राउंड पे देखी है? वो क्या करते हैं, स्मॉग टावर को बंद करवा दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने वो खोलने का निर्देश दिया कल, स्मॉग टावर बंद करवा दिया। फिर आके उनको नेगेटिव राजनीति करनी होती है कि बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो आप भाजपा की बातों में ना आकर उनके राज्यों में हालत देखें, चाहे आप सटे हुए इलाकों में NCR में देख लें जहां पर आज तक इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैंड फ्यूल पे चल रही हैं, चाहे आप ये देख लें कि 24/7 बिजली नहीं दी जाती जिस वजह से डीजल जनरेटर आज तक NCR में चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रदूषण है वो दिवाली से पहले ही इस कदर तक बड़ा हुआ है, मतलब इसका क्या रीजन कि इंस्टेंट आप बता रही हैं आम आदमी पार्टी ने इतने मेजर्स लिए, स्टेप्स लिए, लेकिन जो जनता है वो तो ये देखना चाहती है ना कि क्या क्या असर क्या दिख रहा है, क्योंकि इस बार तो दिवाली से पहले ही इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर AQI का 400 क्रॉस कर जाना पूरे NCR में, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए जनता हमारी बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि पोल्यूशन पे अगर कोई सरकार काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। जनता को पता है भूपेंद्र यादव जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट के, वो प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। जनता को पता है कि हम लगातार बात करते हैं कि NCR के साथ ज्वाइंट मीटिंग हो और वो नहीं करते, और कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कैबिनेट सेक्रेटरी को सबकी मीटिंग बुलाने का, तो वी आर वेरी होपफुल कि अब इन बातों का पालन होगा। भी लगाई है जी, जो तो देखिए हम लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम तो बने ही जनता के कामों के लिए हैं, बट बहुत जरूरी है कि ये NCR के राज्य भी सहयोग करें। आप ये देख लीजिए कि बॉम्बे जो भाजपा शासित है, एक सी साइड सिटी है जहां विंड पैटर्न इतना बदलता है और हवा इतनी चलती है, वो सिटी भी वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गई थी October 23 को, सेकंड नंबर पे थी। आप सोचिए वहां किस लेवल का कंस्ट्रक्शन और ट्री फेलिंग कर दी। आप देखिए कि अगर हमने दिल्ली में हर 37 किलोमीटर पे एक AQI मॉनिटर लगाया है, क्योंकि हम डाटा छुपाना नहीं चाहते, हम सार्वजनिक करते हैं डाटा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा राज्य है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के में सिर्फ 29 AQI मॉनिटर्स लगे हैं, जिसमें से 21 सिर्फ NCR में हैं। एक और मैं आपको आंकड़ा देती हूँ, ये अभी रिसेंटली आया था कि हमारे देश में 52 जिले बहुत प्रदूषित हैं और उनमें से 20 ऐसे हैं जो हरियाणा के हैं और सिर्फ 2 ऐसे हैं जो पंजाब के हैं। जैसे दिल्ली है और दिल्ली NCR है, तो यहाँ प्रदूषण की जो समस्या है और उसका कारण अलग अलग है, कहीं पराली की वजह से, कहीं Audi 1 गाड़ियों का प्रदूषण कंस्ट्रक्शन साइट से जो धूल आती, तो इसे आम आदमी पार्टी कैसे अलग अलग तरीके से एड्रेस करती, क्योंकि आपने जो प्लान्स बताए इतने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रदूषण है जो कि है, दिख रहा है, तो फिर अलग अलग कारणों के लिए कैसे अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है? देखिए जैसे जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बुराड़ी में 5,000 मेगा टन जो वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी है वेस्ट डिस्पोजल के लिए, उसको इनॉग्रेट किया, वो चल रहा है ऑलरेडी। इसी तरह से चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे ओपन में बर्निंग हो,
आप आज भी देखेंगी हमारी मेयर ने बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कितनी कम इंसिडेंट, जैसे मैंने देखा है कि बायोकेमिकल काफी काफी कारगर है, तो इसकी स्प्रेडिंग, इसको इसे हर हाथ तक पहुंचाना, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, पर इस बार विंडो और थोड़ी लिमिटेड हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे फ्लडिंग हुई थी, हाँ तो विंडो थोड़ी और कंप्रेस हुई इस बार, ये भी हुआ था। हम जहां तक देखिए, हमारी एक पढ़ी लिखी और ईमानदार सरकार है, हम लगातार जनता के काम करते रहेंगे और करने करने ही हैं, हम राजनीति में आए इसलिए हैं, पर सहयोग बहुत जरूरी है, चाहे वो भाजपा के मंत्रियों का हो जो बोलते हैं कि पटाखे फोड़ो, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे इंडिया में पटाखे बैन होने चाहिए, तो भाजपा के मंत्री आपको दिखेंगे बोलेंगे आओ पटाखे फोड़ो। अगर हम करते हैं कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, क्योंकि अभी इमरजेंसी मेजर है, अभी सिचुएशन ऐसी है, भाजपा के मंत्री उसको फ्लाउट करेंगे। अगर हम कहेंगे ऑड इवन करो, भाजपा के मंत्री उसको फ्लाउट करेंगे, उसको दिखाएंगे कि चलो सारे। तो ये थोड़ा सा नकारात्मक राजनीति है, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और दिवाली एक और बड़ा मेजर बनने जा रहा है, बनेगा ही, जो प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करेगा, इसे कैसे एड्रेस करने का? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने हमारा हमेशा सहयोग किया है, दिल्ली की जनता एक समझदार जनता है, और मुझे निश्चित तौर पर पता है कि भाजपा जितना मर्जी उकसा ले, दिल्ली की जनता पूरा सहयोग करेगी। सेम मुझे उम्मीद पंजाब की जनता से भी है, उन्होंने हमारा बहुत भरपूर सहयोग किया है जब से हम आए हैं हर चीज में, तभी ये रिडक्शन हुआ है। बिना फार्मर्स की हेल्प के तो ये रिडक्शन हो ही नहीं सकता था। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट हमें दोनों जगह बहुत सहयोग मिला है। हम चाहते हैं कि इस बार भाजपा भी थोड़ा सहयोग करे, गालियां निकालते रहे, पर जनता के मुद्दों पर थोड़ा राजनीति से उठकर काम करे। मतलब प्रदूषण पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, सामने आकर, साथ आकर, मिलकर काम करें, ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये एक नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट कीजिए आप। अगर हम मीटिंग्स में बुला रहे हैं तो उन मीटिंग्स में आइए, हम बैठकर बताएंगे कि हमने दिल्ली में क्या स्टेप्स लिए, हमने क्या पंजाब में स्टेप्स लिए, आप भी लीजिए। एनसीआर में आपको बैन करना चाहिए फ्यूल, आपको इंडस्ट्रीज को पीएनजी पे कन्वर्ट करना चाहिए, हम बताएंगे कि इंडस्ट्रीज को क्या सहायता की जा सकती है, हम बताएंगे कि कैसे 24 घंटा बिजली देनी है ताकि डीजल जनरेटर यूज होने बंद हो, हम करेंगे। वो वीडियोस जो कई बार देखे जाते कि पराली जलाई जा रही है, दिल्ली में जलाई जा रही है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वीडियोस क्या है? देखिए, मैंने दिल्ली में तो जलाई जा रही है कि वीडियोस नहीं देखे, बट डेफिनेटली पंजाब के देखे, डेफिनेटली राजस्थान के देखे, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के देखे, इस समस्या के वही डेफिनेटली हरियाणा के देखे। कैथल का वीडियो है जिसमें बहुत पराली जल रही है, जो कैथल यहाँ से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है और वहां पराली जल रही है, तो निश्चित तौर पर विंड स्पीड लो है तो आता है। तो इसके लिए ज्वाइंट सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। किसानों के ऊपर एफआईआर कर देना या आंखें मूंद लेने से प्रॉब्लम नहीं चली जाएगी। भाजपा का यह रवैया रहता है, देखिए हम भाजपा नहीं है, भाजपा तो आप देखेंगे कि जब भी कोई टफ क्वेश्चन होता है तो वो आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं। मणिपुर पे बात कर लीजिए, भाजपा गायब दिखेगी आपको। इन्फ्लेशन पे बात कर लीजिए, भाजपा गायब दिखेगी आपको। हम ऐसा नहीं करते, हम प्रॉब्लम को हेड ऑन ले रहे हैं, इनफैक्ट हर जगह मॉनिटरिंग करा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, ये भी हमें बता रहे हैं, तो हमें हम तभी सॉल्यूशन निकलेगा हम मानते हैं। तो भाजपा को भी साथ आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। मतलब केंद्र और राज्य सरकार जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगी तो प्रदूषण की समस्या का निपटान हो सकता है। डेफिनेटली तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर जी। ऐसे ही तमाम मुद्दों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।